हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में जय मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप अपना नया आधार कार्ड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं, इसके लिए कितना पैसा देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पैसा कैसे पेमेंट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार। कुछ भी कहना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आप सभी को एम आधार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे। इसको जो है आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं इस पर जो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे ना, तो वहाँ पे जो है आप सभी को आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपकी भाषा पूछेगा, तो ये सब चीज़ें जो है आप सभी को भरना पड़ेगा, ठीक। तो आप जो है यहाँ पे आएंगे सर्विसेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप सभी को एक ऑप्शन मिलता है ऑर्डर आधार रीप्रिंट का, तो यहाँ पे जो आप सभी को क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए जो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप सभी को ₹50 ऑनलाइन जो है पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे किया जाएगा वो भी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो आप सभी को एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो ये ओके वाली बटन है ना, यहाँ पे दबा देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मोबाइल नंबर जो है अगर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो मैं जो पहला वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पे आधार नंबर पूछेगा और इस चीज़ को जो है आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए जो मैं फटाक से आधार नंबर भर देता हूँ। तो भाई लोग, यहाँ पे जो है हमने अपना आधार नंबर भर दिया है। उसके बाद जो ये अंक जो दिखाई दे रहे हैं उसको जो है हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए जो मैं लिख देता हूँ 6622। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो समथिंग वेट रॉन्ग प्लीज आफ्टर सम टाइम, फिर से क्लिक करते हैं इस पर। तो यह जो है यहाँ पे ओटीपी जो है आने वाला है और यहाँ पे जो है आप सभी को ओटीपी भरना पड़ेगा। तो चलिए जो है हम यहाँ पे ओटीपी भर देते हैं 954, ठीक है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ये ओटीपी जो है आपको उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा ना, उसी पे जो ये ओटीपी जाता है, तो उस ओटीपी को जो है आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। उसके बाद जो है वेरीफाई वाले बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, इसके लिए जो आपको अधिक कुछ नहीं करना रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे आधार कार्ड का डिटेल है, पूरी जानकारी है। तो मेरे उसी एड्रेस पे जाएगा जो एड्रेस मैंने अपने आधार कार्ड पे दिया हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपका आधार कार्ड है ना, वो आपके उसी एड्रेस पे जाएगा जहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड का जो एड्रेस है, जो आपने दिया था आधार कार्ड में जो लगा है एड्रेस, उसी एड्रेस पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप सभी को मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप सभी को पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए जो हम पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे जो आप सभी को कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए जो मैं यहाँ पे एटीएम कार्ड तो सबके पास ही होगा, तो मैं जो है कार्ड वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमने कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब जो है यहाँ पे अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो यहाँ पे जो आपका काम हो चुका है। यहाँ पे जो है आप बड़े आराम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए क्या करना रहता है, चलिए जो मैं आप सभी को समझा देता हूँ। यहाँ पे जो है कार्ड नंबर भरना पड़ेगा और यहाँ पे जो एक्सपायर डेट भरना पड़ेगा कि कब जो है आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है। CVV कोड जो होता है वो कार्ड के पीछे लिखा रहता है। अगर आपको नहीं पता है कि CVV कोड क्या है, तो एक बार जो है YouTube पे सर्च मार दीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि CVV कोड क्या है, ठीक है। कार्ड का नेम जो है, जिसके नाम पर जो है कार्ड है, उसका नाम जो है यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो मैं फटाक से भर देता हूँ, फिर उसके बाद क्या करना, चलिए जो है मैं। तो भाई लोग, यहाँ पे जो है मैं पूरा डिटेल भर दिया है और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है बस, ठीक है। तो चलिए जो हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है एक बार फिर से क्लिक करते हैं।
क्योंकि एक बार तुम्हें दबाने से तो कुछ होता नहीं है इस एप्लीकेशन में। ठीक है, तो अब जो है आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपके बैंक जिस एटीएम पे जो है, एटीएम से जो नंबर लिंक है उस पे जो है ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को जो है यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे जो है हमारा पैसा कट चुका है। अब जो यहाँ पे थोड़ी सी इंतज़ार कर लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे सक्सेस बता रहा है, ये 6 से 7 दिन में जो है हमारा कार्ड जो है हमारे घर तक पहुँचा देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है आप अपना आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं आप सभी को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये सुबह के जो है मैं 6:36, 9 दिसंबर का दिन है, 6:36 में जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सुबह बनाने का कारण ये है कि भैया सवेरे जो सर्वर होता है इस एप्लीकेशन का वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, तो इस कारण से अगर आपको कभी भी आधार कार्ड ऑर्डर करना रहे, नया मंगवाना रहे, तो सुबह के वक्त जो है आप करिएगा, आपका काम जो है बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक, तो भाई लोग वीडियो इतनी थी, पसंद आए तो लाइक करना, कुछ भी कहना हो तो कमेंट करना, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।